हेलो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है तो आप लोग उस फ़ोटो को कैसे रिकवर कर सकते हो, चाहे वो फ़ोटो आप लोगों ने आज डिलीट किया हो या फिर वो फ़ोटो को कई साल पहले डिलीट किया, ठीक है, तो आप लोग उस फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। नहीं तो अगर आप लोग YouTube पे किसी और का वीडियो देखोगे मोबाइल के गैलरी में से डिलीट फ़ोटो को कैसे रिकवर करें, तो उसमें आप लोगों को बताया होगा कि ये ऐप को डाउनलोड कर लो, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर किसी वेबसाइट पर जाने के लिए बोलेगा। इससे आप लोग मतलब कि फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो, चाहे वो फ़ोटो आज डिलीट किया गया हो, कई साल पहले डिलीट किया हो, उस फोटो को आप लोग रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल की गैलरी में से आज फ़ोटो डिलीट किया हो या फिर कई साल पहले उस फोटो को डिलीट किया हो तो आप लोग उस फोटो को रिकवर कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को ना तो किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोगों को किसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि हमारे मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटो है और उस फ़ोटो को कोई डिलीट कर देता है तो हमें मतलब कि बहुत ही घबराहट होने लगती है कि वो फ़ोटो अब तो डिलीट हो गया, तो हम उस फ़ोटो को कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल की गैलरी में से मतलब कि किसी भी फ़ोटो जो आप लोगों ने डिलीट कर दिया है तो आप लोग उस फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी कंटेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है, चाहे वो फ़ोटो आप लोगों ने आज डिलीट किया हो या फिर वो फ़ोटो को कई साल पहले डिलीट किया हो, ठीक है, तो उस फ़ोटो को आप लोग कैसे रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाना है, क्योंकि ये गैलरी ऐप जो है हमारे मोबाइल में ऑलरेडी पहले से दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के मोबाइल में भी ये गैलरी ऐप होगा तो आप लोग को उसी गैलरी ऐप में चले जाना है। और अगर आप लोगों को गैलरी ऐप मतलब कि ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे मोबाइल में होता है ना बहुत सारे ऐप रहते हैं जिससे हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को नीचे में एक सर्च बार देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को सर्च बार पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गैलरी, ठीक है। बस आपको मतलब कि एक दो लेटर लिख दो, वो ऐप जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को गैलरी ऐप को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में जितने भी फ़ोटो होंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे मोबाइल की गैलरी में जितने भी फ़ोटो हों वो आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो इसी प्रकार आपके मोबाइल में भी जितने फ़ोटो होंगे या फिर वीडियो होंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि अगर आप लोगों के मोबाइल की गैलरी में से कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है तो आप लोग उस फ़ोटो को कैसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को डिलीट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि बजरंगबली का, ठीक है। जैसे कि मैं इनका डिलीट करता हूँ फ़ोटो को, तो यहाँ पे डिलीट का एक बटन आ रहा है नीचे में, इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि उस फ़ोटो को मैं रिकवर कैसे करूँ, ठीक है। तो फ़ोटो को रिकवर करने के लिए आप लोगों को ऊपर में आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक फ़ोटो का है और दूसरा एल्बम का, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे एल्बम पे क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे क्लिक करता हूँ आप लोगों को वैसे वैसे क्लिक करना है, नहीं तो अगर आप लोग दूसरे मतलब के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आप लोग को ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों ने मतलब कि जो भी फ़ोटो को डिलीट किया है उस फ़ोटो को आप लोग रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे नीचे में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला ऑप्शन डिलीट आइटम्स का, और दूसरा ऑप्शन रिडेंटेड एल्बम का, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्लियर ट्रांस फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिलीट आइटम्स पर क्लिक करना है,
एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जितने भी फ़ोटो दिख रहा है यानी कि शो कर रहा है, ये सब फ़ोटो मैंने गैलरी में से डिलीट कर दिया था। नहीं विश्वास से मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया था कि मैंने ये बजरंग बली का जो फ़ोटो मैंने डिलीट किया था अपने मोबाइल के गैलरी में, और ये फ़ोटो जो है डिलीट होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके मोबाइल के गैलरी में भी इतने सारे फ़ोटो शो कर रहे होंगे, जितने भी फ़ोटो आप लोग अपने मोबाइल के गैलरी में डिलीट किए होंगे, चाहे वो फ़ोटो आप लोगों ने आज डिलीट किया हो या फिर कई साल पहले उस फ़ोटो को डिलीट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जिस फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हो आप लोग देख लेना कि हमें कौन सा फ़ोटो को रिकवर करना है और कौन से फ़ोटो को रिकवर नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग जिस भी फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हो उस फ़ोटो पे आपको प्रेस रखना है। एंड प्रेस रखने के बाद आप लोग को नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला ऑप्शन रिस्टोर का और दूसरा ऑप्शन डिलीट का। तो यहाँ पे आप लोगों को रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ना कि आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे। ठीक, अगर आप लोग डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये फ़ोटो जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वो भी परमानेंटली। तो इस फ़ोटो को आप लोग मतलब कि कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद वो फ़ोटो जो है यहाँ से वो मूव हो जाएगा यानी कि हट जाएगा। इसलिए हटेगा क्योंकि जो आप लोगों ने फ़ोटो को रिकवर किया है वो फ़ोटो आपके मोबाइल की गैलरी में चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को और रिकवर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ से फ़ोटो को रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बजरंग बली का एक फ़ोटो को रिकवर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पर प्रेस रखना आपको। एंड प्रेस रखने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है बल्कि रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद वो फ़ोटो जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब उस फ़ोटो को देखने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना है। एंड बैक जाने के बाद एक बार और बैक जाना है, और आप लोग जैसे बैक जाओगे तो आपका मतलब कि गैलरी ऐप जो है पूरा मतलब कि आप लोग वहाँ से हट जाओगे। ठीक है, बाहर चले जाओगे, फिर आपको फिर से गैलरी ऐप को ओपन कर लेना है। एंड गैलरी ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो फ़ोटो को मैंने वहाँ से रिकवर किया था वो मेरे मोबाइल के गैलरी में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस फ़ोटो को मैंने रिकवर किया था एंड बजरंग बली का भी फ़ोटो को रिकवर किया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल के गैलरी में किसी भी फ़ोटो को रिकवर कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के। ठीक है, ना तो आप लोग को फ़ोटो को रिकवर करने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोग को फ़ोटो को रिकवर करने के लिए किसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।